हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेडमी वाई टू के डेट एंड टाइम सेटिंग्स के बारे में। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद देखिए, सबसे ऊपर यहाँ हमारे हमारे सामने आ रहा है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप सेट डेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप आसानी से ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके अनुसार है। तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट करके रखे हैं। अगर आप चाहते हो 24 आवर फॉर्मेट में रखना चाहते हैं या फिर 12 आवर फॉर्मेट में रहना चाहते हैं। जैसे कि एक रेलवे का टाइम होता है ना, जिस रेलवे का टाइम एक अलग होता है, हमारा एक अलग होता है। अगर आप इसको 24 आवर्स में करना चाहते हो तो देखिए अभी 1 बज रहा है, तो इसको ये 13 कर दिया। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। टाइम जोन, ऑटोमेटिक टाइम जोन, हमारी ये जो टाइम जोन है ऑटोमेटिक, ये देखिए कोलकाता का ले रखा है। अगर हम इसको चाहें तो टाइम जोन हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग यूज़ करके अपनी डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।